दीदी से देखा तो डॉक्टर साहब के आने के वक्त तुम्हारे कपड़े धोने का सूझत है। कल डॉक्टर साहब पूछत रही तो नर्स कहाँ गई? यही नल के पास ही तो हूँ। सलाम हुजूर। ओह सलाम। तुम्हारी नर्स कहाँ है आज? अभी अभी तो यहाँ थी। कल्याणी बेटी, कल्याणी। कल्याणी कहाँ है? नल के पास बैठी है, उसने मुझे भेजा है। बोला नहीं, रहने दो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, मुझे रोज रोज नहीं आना पड़ेगा। कल सर बहुत पिरात रहा, रात भर सोए नहीं सके। घबराओ नहीं, मैं दवाई भेज दूंगा, जल्दी अच्छी हो जाओगी। ये कल्याणी को दे देना। डॉक्टर साहब ये पूजा तुम्हें देने को कह गए हैं। कल्याणी, मुझसे डरने की कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे रास्ते से दूर ही रहूंगा। क्या लिखा है? एक बात कहूं बहन? कहो। तुम शायद गलती कर रही हो। डॉक्टर साहब जैसे देवता आदमी से दूर क्यों भाग रही हो? तुम नहीं समझ सकोगी। जरूर समझ सकोगी, मैं भी तो औरत हूं। किसी को इस तरह दुखी करने और खुद भी दुख उठाने में क्या फायदा? क्या करूं, और कोई चारा नहीं। अपनी आंखों से तुम मुझे जितना देख समझ रही हो, मैं सिर्फ वही तो नहीं हूं। अपने बीते जीवन को कहां छुपा रखूं? और देखो, संसार में कुछ भी पाने के लिए उसकी कीमत देना पड़ती है, लेकिन देने के लिए मेरे पास कुछ भी तो नहीं। तो क्या सारी जिंदगी इसी तरह भागती रहोगी? एक ना एक दिन जेल की म्याद पूरी होगी, तब कहां जाओगी, तब क्या करोगी? क्यों नहीं कमला, तबीयत खराब है कहकर मुझसे तो छुट्टी ले ली। भारत में जाकर आराम करने के बजाय यहाँ बैठे गप्पे हाँक रही है। चल जा आराम कर। अभी जाती हूँ गार्डन जी। हाँ कल्याणी, जरा अपना कार्ड तो दे।